महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में पुलिस ने आनंद गिरी को किया गिरफ्तार। मौत से पहले नरेंद्र गिरी ने बनाया था वीडियो। आगरा में बीजेपी ने शुरू की मिशन 2022 की शुरुआत। बीजेपी ने विपक्ष पर सादा जमकर निशाना, कहा पूर्ण बहुमत से के साथ फिर से आएगी बीजेपी। अमेठी में तिलोई पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर सादा जमकर निशाना, कहा बीजेपी ने जुमलेबाजी करके सबका सत्यानाश कर दिया। बरेली में दबंगों ने दलित बेटियों की पिटाई, दलित परिवार पर किया लाठी डंडों से हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई और शुरुआती जांच में ये सुसाइड का मामला बताया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को उकसाने के लिए हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़ी कई बातें सामने आ रही हैं। दरअसल नरेंद्र गिरी के शिष्य निर्भया द्विवेदी का कहना है कि आत्महत्या से पहले महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट लिखने के अलावा एक वीडियो भी बनाया था। ये वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर बनाया था और ऐसे में निर्भय द्विवेदी के मुताबिक इस वीडियो में महंत नरेंद्र गिरी ने विस्तार में बातें कही हैं जो सुसाइड नोट में लिखी गई थी और ये वीडियो अभी पुलिस के पास है। हालांकि बता दें, महंत नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज में बागमपरी मठ में उनके आवास पर मिला है और नरेंद्र गिरी का शव फांसी से लटका हुआ मिला था। जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वहां पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक ये सुसाइड नोट करीब 8 पन्नों का था। तो बता दें, महंत नरेंद्र गिरी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हालांकि मौत है, आत्महत्या है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पे तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था जो कि अंदर से बंद था, और उसके उन्होंने देखा कि महंत जी का की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से। तो बता दें, मौत से पहले नरेंद्र गिरी ने वीडियो बनाया था। तमाम पहलू, तमाम एंकल अब इस घटना से जुड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है जो 8 पन्नों का था। ऐसे में सुसाइड नोट में भी तमाम नामों का जिक्र किया गया है, तमाम बातें कही गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतना ऐसे क्या हो गया जो नरेंद्र गिरी को ये स्टेप उठाना पड़ा, ये कदम उठाना पड़ा? क्या वो परेशान थे? क्या कोई उन्हें परेशान कर रहा था? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हर कोई इन सवालों को के जवाब खोजने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए, लगातार अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। हालांकि कई बड़े दिग्गज नेता भी प्रयागराज अब थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं और नरेंद्र गिरी के शव के अंतिम दर्शन करेंगे। योगी आदित्यनाथ भी खुद पहुंच रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य भी डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहीं बता दें, अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंचेंगे नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए। हालांकि उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा, आज उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ऐसे में कई सवाल और कई एंगल जो हैं इस पूरी घटना से जुड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये 8 पन्नों का सुसाइड नोट सामने आया है उसमें कई नामों का जिक्र किया गया है, चाहे वो आनंद गिरी हो, संदीप तिवारी हो, ये तमाम नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर एक CD का जिक्र भी किया जा रहा है और एक वीडियो का जिक्र भी हो रहा है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या करने से पहले
एक वीडियो भी बनाया था। हालांकि उस वीडियो में क्या था, क्या बातें उन्होंने इस वीडियो में कही थी, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये वीडियो अभी पुलिस के पास है। हालांकि देखिए, अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की भी लगातार मांग की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी उच्च स्तरीय सबसे ऊंची जांच होगी वो इस घटना में वो इस मामले की कराई जाएगी ताकि दोषी कौन है वो पता चल सके और जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि देखिए, आनंद गिरी जिनको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है उनसे पूछताछ की जा रही है, बाकी और कई लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। नरेंद्र गिरी के फोन डिटेल्स की जांच की जा रही है, आखिरी कॉल उन्होंने कुछ घंटों में किस किस से की थी, किस किस से बातचीत की थी, उन सभी चीजों का जांच पुलिस कर रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, जिस तरह से देखिए कल ये खबर सामने आई कि नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, बेहद दुखद खबर है, लेकिन देखिए अब इस पूरे मामले में कई पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। जब ये खबर मिली है वैसे ही तत्काल यहाँ से जो लखनऊ से एक टीम थी उनको भी भेजा गया है, और उसके साथ ही साथ वहाँ जब एडीजी का एक बयान हुआ था उन्होंने साफ कहा था कि अभी ये जांच का विषय है। और हालांकि इस मामले में पूरे रात में ही आनंद गिरी का जिनका नाम आ रहा था, षड्यंत्रकारी यानी कि उसको नाम दिया गया है इसमें, और उसमें इनको रातों रात उन्होंने एक अपना बयान भी दिया है जिसमें कहा है कि मेरे लिए ये साजिश रची गई है और मेरे लिए जो इस तरीके से जो नाम लिए जा रहे हैं बार बार, हालांकि पुलिस ने अभी उसको हिरासत में ले लिया है, 306 के तहत मुकदमा अभी दर्ज कर लिया गया है। और अब ऐसे में देखना ये होगा, क्योंकि कल रात से ही पुलिस का बयान लगातार यही निकल के आ रहा है, ये जांच का विषय है, जांच हो जाएगी तब इसके बाद कहीं से कोई ना कोई जवाब आपको दिया जाएगा। अब रही बात है, यहाँ 2 बजे इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार आत्महत्या की गई है या हत्या की गई है, क्योंकि लगातार जो मामला है वो संगीन ही दिख रहा है, क्योंकि जो सत्ता के गलियारे से भी लोगों का जो मामला है वो भी उनका ये कहना है कि जांच का विषय बिल्कुल है और ऐसे में जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं साफ दिखता है पारुल कि अगर जांच होती है तो इसमें एक बात निश्चित तौर पर निकल के आती है, क्योंकि जो महंत नरेंद्र गिरी है उनको काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता था, क्योंकि लोग का ये मानना बिल्कुल गले से उतरने की बात नहीं हो पा रही है कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं साजिशन कोई ना कोई मामला जरूर निकल के आ रहा है। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं देखिए जो अभी तक चीजें निकल कर आ रही है, जो पहलू एंगल निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ये भी सामने आ रहा है कि ब्लैकमेलिंग का आरोप लग रहा है, नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल किया जा रहा था, कोई एक सीडी का जिक्र भी किया जा रहा है कि सीडी थी जिसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो क्या इस उनकी संदिग्ध मौत को उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि क्या वो इसी के दबाव में आकर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया या फिर ये साजिश थी? देखिए पारुल, हाल ही में कुछ टाइम पहले की अगर हम बात करते हैं तो नरेंद्र गिरी ने खुद उनके जो शिष्य थे यानी कि आनंद गिरी उनको अपने निकाल दिया था, और उसके बाद कुछ टाइम से काफी नाराजगी दिख रही थी। हालांकि इस मसले में आनंद गिरी का जो रात में उन्होंने अपना वीडियो जारी किया है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मेरे खिलाफ जो भी बातें की जा रही है वो कहीं ना कहीं निराधार है और मुझे फंसाया जा रहा है। अब रही बात ब्लैकमेलिंग की, क्योंकि कल पुलिस का भी बयान था कि उसमें उन्होंने लिखा है कि एक वसीयत है, अब वसीयत दिखाया अभी नहीं गया है लेकिन उस वसीयत में काफी चीजों का जिक्र किया गया है, लेकिन बंदे से लटकते हुए जो उनका बॉडी पाई गई है तो उसमें कहीं ना कहीं अभी जो पुलिस का एक फौरी तौर पर जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि जो निशान है वो अभी इस बात को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि वो उनको लटकाया गया है या वह खुद लटके। अब पोस्टमार्टम 2 बजे होगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगी कि इनको वाकई में इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया या फिर ये ब्लैकमेल हो रहे थे, क्योंकि काफी बड़ी संपत्ति के अकेले वारिस होते हैं और उसके बाद काफी चीजें अपने पीछे छोड़ गए, यानी कई सवाल ऐसे अभी भी छूटे हुए हैं जिनके जवाब निकल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में सीएम के साथ साथ बाकी विपक्ष भी जो है वो भी लगातार इसी बात को कह रही है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक शोक का लहर जरूर है कि ऐसे महान व्यक्ति जो है नरेंद्र गिरी वो आत्महत्या बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग की जो बात आ रही है उस पर भी एक उंगली उठ रही है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है जो उनके शिष्य थे उनमें आपसी मतभेद भी हो चुके थे और उसके तहत कुछ टाइम से आनंद गिरी उनको छोड़ के चले भी गए थे। तो अब 2 बजे के बाद क्लियर हो जाएगा, यानी कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार आत्महत्या है या हत्या है।
जी बिल्कुल रूबी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यानी कि शाम होते होते शायद ये क्लियर हो जाएगा कि ये हत्या है या आत्महत्या, क्योंकि 2 बजे महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी साफ होती जरूर नजर आएगी कि आखिर ये साजिश थी या फिर क्या था, किसी ने इस घटना को अंजाम दिया, सोची समझी साजिश थी या फिर ब्लैकमेल किया जा रहा था। जो भी सवाल है उन सभी का जवाब शाम होते होते मिल सकता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब एक बार आ जाएगी तो उससे स्थिति पता चल जाएगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। हालांकि देखिए, जो 8 पन्नों का सुसाइड नोट अभी मिला है पुलिस को, उसकी जांच की जा रही है लगातार। पुलिस जो है सभी से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है और हर किसी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। नरेंद्र गिरी की कॉल डिटेल्स की जानकारी निकाली जा रही है, तमाम चीजें ऐसी हैं जिनकी जांच की जा रही है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। तमाम राजनीतिक पार्टियां रैली कर रही हैं, अपनी योजनाएं जनता तक पहुंचा रही हैं और इसी दौरान राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी भी करती नजर आ रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा शक्ति से राष्ट्र निर्माण नामक कार्यक्रम की आगरा में शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ फिर बीजेपी सत्ता में आएगी। बीजेपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करके अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। आज आगरा में फतेहपुर सीकरी में प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम था और उसी क्रम में यहां आगरा में युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति निर्माण का एक युवाओं का एक कार्यक्रम है, उसमें मेरा होके जाना है। किस तरह से बीजेपी लड़ने जा रही है, चुनौतियां तमाम है, सब कोई गठबंधन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो आप लोग आप चूंकि डिंपल को भी हरा चुके हैं तो किस गठबंधन क्या पहली बार हो रहा है क्या? नहीं, और आप गठबंधन अभी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन हुआ था, जो मुझे लगता है कि अब तक की राजनीति का सबसे बड़ा गठबंधन था। उस गठबंधन को भी परास्त करके भारतीय जनता पार्टी ने यदि विजय हासिल की है तो उसका कारण आम जन का नरेंद्र मोदी और योगी के ऊपर विश्वास है। निश्चित रूप से उस जनविश्वास के कारण से हम एक बार फिर 2017 से भी बड़ी जीत जीतने वाले हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है युवा शक्ति से राष्ट्र निर्माण। आप समझ ही रहे हैं भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है युवा वर्ग में, तो इसी वर्ग को की प्रेरणा के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया, उन्हें जोड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम में आज हमारे प्रमुख अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं श्री सुब्रत पाठक जी, जो सांसद कन्नौज है और हमारे प्रदेश के महामंत्री भी हैं और युवा के हृदय सम्राट भी हैं। तो आज उन्हीं के चलते आज ये कार्यक्रम रखा गया है यहाँ युवाओं को जोड़ने के लिए। भाजपा को अब चुनाव के दौरान ही युवाओं की याद आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको गिनाऊं तो हम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर और बहुत सारे कार्यक्रम हो, ये सब युवाओं के लिए ही थे और इसका खूब फायदा हुआ है। और हमारे यहाँ के कई कार्यक्रम में औद्योगिक जो और स्किल इंडिया में काफ़ी लोगों को, लाखों लोगों को फायदा, लाखों युवा वर्ग को फायदा हुआ। अमेठी में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान पटेल तिलोई पहुंचे, जहां पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने जुमलेबाजी करके सबका सत्यानाश कर दिया, सभी छोटे मोटे व्यापारियों का बेड़ा गर्क कर दिया, इसीलिए अब की बात 2022 में जनता सपा के पक्ष में लामबंद हो रही है। योगी ने आर्थिक और सामाजिक विषमता को बढ़ाया है, अब जनता इनको समझ चुकी है। तो ये तमाम बातें कहकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। बरेली के फतेहगंज पूर्व के खानपुर गांव में दलित बेटियों की पिटाई और अश्लीलता का एक मामला सामने आया है। पीड़ितों का कहना है कि गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जिनको परिवार का गांव में रहना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से दबंग लोग रास्ते से निकलते समय अक्सर बेटियों से छेड़छाड़ करते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। बीते दिन जब दबंगों ने दलित बेटियों से छेड़छाड़ की तो परिवार ने उनकी बेटियों के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया। विरोध करने पर दबंगों ने परिवार के घर पर लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया और पूरे परिवार के
साथ मारपीट की, घर पर पथराव किया गया और गंदी नीयत से बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए। जब परिवार वाले बेटियों को बचाने पहुंचे तब दबंगों ने परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की और गांव से भगा दिया। परिवार ने भाग कर अपनी जान बचाई और इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट का वीडियो बना दिया। वहीं पीड़िता परिवार अपनी बेटियों के साथ SSP ऑफिस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। तो बरेली का यह पूरा मामला है जहां पर दबंगों के द्वारा दलित परिवार को परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार की बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे में जब परिवार ने अपनी बेटियों के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से परिवार के साथ मारपीट की। हालांकि मारपीट का किसी ने वीडियो भी बना लिया। तो बता दें बरेली का यह पूरा मामला है जहां पर इस परिवार को परेशान किया जा रहा है और ऐसे में अब ये परिवार वहां से भागकर अपनी जान बचाने को आतुर है। हम बैठे थे वहां पर और दो लोग अंदर जा रहे थे, सब लोग गाली देने लगे गंदी के लिए अंदर, और देखो जब हमने मना किया गाली देने तो विरोध किया, मेरे लिए पकड़ लिया और हम भरकर घूमने लगे, कपड़े फाड़ दिए पहने हुए, और देखो फिर मेरी मम्मी पापा आ गए, हमने चाचा मम्मी आ गई, हमने बुलाया तो लोगों ने मम्मी ने मेरी जान बचाई और फिर मम्मी के लिए उन्होंने लाठी मारी और चाचा को भी फोड़ तोड़ दिया, और देखो वो लोग लाठी डंडे से मारने, हमारी लड़कियां बैठी हैं अपनी महंगाई के पास पे तो हमारी लड़कियों को गाली दे रहे थे, तो हमारी लड़कियां ने कही कि क्यों गाली दे रहे हो तुम, तो इसे पे मात तोड़ करने लगे, वो लोग आ गए हैं तो हमारी लड़कियों के खींचा पकड़ के, मेरी लोंडियाँ डरानी कही मम्मी चाचा आ जाओ, तो हमारे चाचा मेरी आ गए बचाने के लिए, तो फिर बाद में उनको लड़की को टांग खींची पकड़ के, तो लड़की हमारी गिर गई, गिर के बाद में तो हमने झीटा पकड़ के तो हमारे लाठी मारी, तो हमारी लड़कियों के तीनों को भीतर फाड़ दे हैं और बटे में चोट भी आई है, एक के कोनी में चोट आई है। बोले क्या करना चाहते हैं, किस वजह से मारा पीटी कर रहे थे? किस वजह से मारा पीटी की उन्होंने? गालियां दें इस वजह से। किस वजह से, क्या कारण, क्या लड़ाई है तुम्हारी पुरानी? लड़ाई नहीं है मेरी पुरानी, मेरी लड़कियाँ बैठी है रास्ता में, लड़कियों देख के गाली देते हैं। चलिए बरेली से हमारे संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आखिर ये मामला क्या है पूरा, क्यों इस परिवार की बेटियों को परेशान किया जा रहा है? ये बताना चाहूंगा जिस तरह से ये बच्चियां हैं, ये सभी परिवार की बेटी हैं, गांव में बेटी हैं, निकलती हैं, उठती हैं, तो एवं किसी के जो लोग हैं वो अक्सर इनके साथ छेड़खानी या फिर अपने व्यवहार या टिप्पणियां करते हुए नजर आते हैं। जब इन लोगों ने उसका विरोध किया तो कई बार इनको मारा भी था और बीते दिन तो कुछ हद ज्यादा ही करती थी। जी पवन, लेकिन क्या इससे पहले भी देखिए क्या परिवार के दबंगों के साथ कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ मामला और ही है? अगर रंजिश की बात करें तो शायद इस परिवार की ऐसी कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन शायद दबंगों को इन दलित परिवार का वहां रहना मंजूर नहीं है, इसीलिए कई बार इन लोगों ने साथ छेड़खानी की गई, इन लोगों के साथ अभद्रता की गई। लेकिन जब अभी बीते दिनों में पूरे परिवार ने इस चीज का विरोध किया तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से दबंग इन लोगों को दौड़ाते हुए और मारते हुए नजर आ रहे हैं, और परिवार वहां से पीड़ित होकर अपने कुछ तो लड़कियों के साथ इतनी अभद्रता की गई कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, तो पीड़िता अपने बच्चों के साथ SSP ऑफिस पहुंची थी यार गुहार लगाने के लिए। बिल्कुल, SSP ऑफिस परिवार पहुंचा जरूर है बेटियों को लेकर, लेकिन न्याय की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है, क्या अभी तक संज्ञान लिया गया, क्या कार्रवाई की जो है बात कही गई है पुलिस की तरफ से? जी, कार्रवाई की बात अगर करें तो कार्रवाई पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही पुलिस जांच में लग गई है, पुलिस भी वीडियो के आधार पर लोगों की तलाश कर रही है, अब देखना ये होगा कि कब तक इन पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। जी चलिए पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर दलित परिवार की बेटियों को परेशान किया जा रहा है, उनके साथ छेड़खानी की जा रही है। ऐसे में जब परिवार अपनी बेटियों को बचाने के लिए वहां पर पहुंचता है, इसका विरोध करता है, तो दबंगों द्वारा मारपीट उन्हीं के साथ करती जाती है। ऐसे में अब पीड़ित परिवार अपनी बेटियों को लेकर SSP कार्यालय पहुंचा जहाँ पर न्याय की परिवार ने गुहार लगाई है।
बरेली के थाना कैंट क्षेत्र में कांधरपुर की रहने वाली महिला ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने पति सहित ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न करने और पति की तरफ से कोई खर्च न देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि इसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति और ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे और दहेज न देने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते महिला ने थाना कैंट में ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसे में मुकदमा दर्ज होने के बाद उसके ससुराल वालों की तरफ से उसे खर्चे के लिए भी कुछ नहीं दिया जा रहा था। अपनी जीविका चलाने के लिए अपने भाइयों से कहकर कर्ज पर सामान लेकर महिला ने घर के बाहर किराना स्टोर के नाम से दुकान खोली। अब उसके ससुराल वाले उसे दुकान खोलने नहीं दे रहे हैं और उसे मारने पीटने की धमकी भी देते हैं। ऐसे में महिला ने परेशान होकर एसएसपी ऑफिस आकर अपने ससुराल वालों की दबंगई की शिकायत की है और उन पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा दहेज का मामला है। कहाँ 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 ये कांधरपुर। कब हुई थी शादी? सन 2016 में। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि मेरा हस्बैंड मुझे ना खाना ना खर्चा कुछ भी नहीं देता। मैं अपनी दुकान करती हूँ और उसी में अपना खाना खर्चा निकालती हूँ। जब भी मैं कहती हूँ तब ये कहते हैं कि मैं तुझे मारूँगा, घर से निकाल दूँगा, मैं तुझे नहीं रखना चाहता हूँ। और मेरे भाई और बहनों ने मिलकर सब ने मेरा दुकान का माल भरवाया था और उस पे ताला लगा है और जब मैं खोलती तो फिर वो मारने के लिए दौड़ते हैं। जहां केंद्र और प्रदेश सरकार लाख दावा करती है कि गांव में विकास तेजी से हो रहा है, हर साल गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आजादी के लगभग 75 साल बीत गए फिर भी गांव में मूलभूत सुविधा सड़क ही नहीं है। मजबूरन जनता खेतों की मेड़ से अपने घरों तक पहुंच रही है, जबकि गांव में पानी भर जाने की वजह से जनता मजबूरन पानी से होकर उनको आना पड़ता है। यही केंद्र और प्रदेश सरकार का विकास का दावा है। कहीं ना कहीं सरकार का विकास का दावा में ही सिमट कर रह गया है। दरअसल बस्ती के गौर विकास खंड क्षेत्र के मझुआ चौबे ग्राम पंचायत का राजस्व गांव अगनियापुर में ग्रामीणों को दो दशक से संपर्क मार्ग का इंतजार है। प्रधानी चुनाव में हर बार लोग इस मार्ग के निर्माण की आस जगाकर भोली भाली जनता से वोट हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी 5 साल कोई प्रतिनिधि वहां इस गाँव की सड़क बनवाने का नहीं बनवाता और आज इस गांव की स्थिति ऐसी है कि ग्रामीणों को अपने घर पहुंचना होता है तो पानी में होकर ही उन्हें जाना पड़ता है, उसके बाद अपने घर पहुंचते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और कहा है कि हम लोग रात में इसी पानी से गुजर कर घर जाते हैं, कहीं कोई जहरीला जानवर पानी के अंदर काट लेगा तो हम लोगों की जान भी जा सकती है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? ऐसे में मेरा परिवार तो बेघर हो जाएगा। सड़क नहीं बन रही, सड़क के बाद 10 साल पहले मिट्टी कार हुआ है। ग्राम जो ब्लॉक गौर ग्राम पंचायत मझुआ चौबे अंगनियापुर का मामला है। मिट्टी का कार अधूरा हुआ, उसके बाद सड़क की रास्ता जो है बगल से है जिस पर जंगल जो है उगा हुआ है, रास्ता ना होने का लोग पानी में से आ जा रहे हैं। तो भाई घर भी काम नहीं कर, और रास्ते में जंगल झाड़ जब से हुआ, पेड़ थे उसमें पेड़ वैसे ही रह गया, कटाई नहीं हुआ उसका पेड़ का। इस रास्ते से कितने परिवार के लोग आते जाते हैं? करीबन 80 परिवार के लोग हैं। तमाम प्रयास के बाद भी सड़क अधूरा है, एप्लीकेशन भी दिया गया कई जगह, उसके बाद भी कार्य नहीं किया गया, 10 साल से अधूरा है सड़क। फिरोजाबाद में डेंगू वायरल फीवर का कहर अभी भी जारी है। कई गांवों में करीब 60% युवा बच्चे और महिलाएं बुखार से पीड़ित हैं। बावजूद इसके अब तक ना तो गांव में साफ सफाई हुई है और ना ही फॉगिंग और किसी तरह का छिड़काव कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बार टीम गांव में गई और उसके बाद आज तक स्वास्थ्य विभाग ने भी दोबारा मुड़कर नहीं देखा। फिरोजाबाद के तहसील टूंडला क्षेत्र में करीब 1200 की आबादी वाले इस गाँव में डेंगू वायरल फीवर से करीब 60% बच्चे युवा पीड़ित है। आधे से ज्यादा आगरा प्राइवेट इलाज करा रहा है। वहीं इस वायरस से गांव में 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन वायरल फीवर ग्रसित गांवों में साफ सफाई एंटी लार्वा के छिड़काव सहित गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने की बात कहता है। ये मनीगढ़ी गांव है और यहाँ 50-60% से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित है और यहाँ कोई आज तक कोई भी टीम ने डॉक्टर की न सफाई कर्मी की कोई टीम न दवाई छिड़के वाली कोई टीम नहीं आई जाती और पूरा गांव जो है डेंगू से पीड़ित। कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई है? 4 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है।
कितने कितने उम्र के थे, क्या नाम थे उनके? एक तो 30-35 साल की, नाम तो उसको नहीं, क्या नाम आ रहा है उनको, संगीता। एक बच्ची पल्ले गांव में है संतोष की, अब नाम तो नहीं मालूम, अब जो है जजज में जो है उसकी मृत्यु हुई है। मेरे गांव में लगभग औसतन हर घर से तीन चार दो मरीज तो बीमार हैं, और कुछ मरीज अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लगभग 15-20 आदमी बच्चों सहित हॉस्पिटल में, आगरा टूला एडमास्टर, और करीब करीब 3-4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 3 डॉक्टरों का कोई आई नहीं इधर, न कोई यहाँ पर कोई सुविधा है दवाई के बारे में, न कोई किसी की यहाँ पर सरकारी व्यवस्था करवाई है। ये गांव की पोजीशन बहुत ही विशेष खराब है। आपके घर में कितने लोग बीमार हैं? मेरे घर में सभी 10 लोग बीमार हैं, बच्चों सहित। सबसे ज्यादा हमारे गांव में गंदगी फैली हुई है, सब कीचड़ पानी सब भरा हुआ है, पोखर का पानी कोई निकलता नहीं है, सबरा पानी यहीं पे बढ़ जाता है, इस चक्कर में सारे मच्छर वच्छर वगैरह यहीं पे पैदा होते हैं, इस चक्कर में बहुत से लोग बीमार हैं, और किसी की 6,000 प्लेट है, किसी की कुछ है, किसी का कुछ है ऐसे, और बहुत से मेरे सामने खत्म भी हुए हैं ऐसे। अब गाँव में अब तक ये वायरस में कितने लोगों की मौत हुई है? कम से कम 3-4 जने खत्म हो गए। कितने लोग अभी जो है बीमार हैं? कम से कम होंगे 30 लोग करीब होंगे, 30 करीब होंगे। तो देखा आपने किस तरह से फिरोजाबाद में वायरल फीवर डेंगू का कहर लगातार जारी है, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।